की जो मांग है उसको कितना आपको लगता है कि जांच सही दिशा में जा पाएगी, जो क्योंकि सियासत ज्यादा हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सुरक्षा के नाम पे जिस तरह की जासूसी और निगरानी उस लड़की पे हुई, वो उसके बुनियादी अधिकारों को एकदम उल्लंघन करती है। दिस इज एब्सोल्यूट अब्यूज ऑफ स्टेट पावर। तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए, और उसके साथ साथ जो जांच की मांग है, मुझे लगता है उच्चतम न्यायालय में मसला है तो एक मंच तो उच्चतम न्यायालय है ही। जो जिस कोई बनता है तो उस आदमी के खिलाफ बनता है जिसने ये ऑर्डर किया कि सर्विलेंस की जाए जी। क्योंकि होम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर की तो ये अख्तियार में है नहीं, वो कह सकते हैं, वो एक ऑर्डर दे सकते हैं, पर जिस अफसर ने कार्य करना है, जो अधिकारी की रिस्पांसिबिलिटी है, वो उस पर ये निर्भर करता है कि वो करे या ना करे। क्योंकि उन्होंने कर लिया और गलत उनका जो आदेश था वो मान लिया, तो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी उस आदमी की बनती है। अब जहां तक रिक्वेस्ट की बात होती है या कहने की बात होती है, बहुत सारे सरकारी मुलाजिम के पास ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि आप मेरे लिए ये कर दीजिए, उसको ये सजा दे दीजिए, ऐसे कर दीजिए।